नमस्कार, बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ब्लॉग्स ग्रुप में सभी का स्वागत है। आज आओ कंप्यूटर सीखे ब्लॉग्स के तहत में आज सीखेंगे कैसे कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है। कंप्यूटर में एक ऑन बटन होता है और उस बटन को अगर आप फिर से दोबारा दबा दे ऑन होने के बाद, तो कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाएगा, या लैपटॉप है तो लैपटॉप भी आपका ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऑन करने का तो सही तरीका वही है कि मुझे जो दिया हुआ बटन है उसे प्रेस करना है, लेकिन ऑफ करने का वो तरीका नहीं होता है। ऑफ करने का तरीका अलग होता है और कंप्यूटर को जो ऑफ किया जाता है उसे शट डाउन कहा जाता है। तो आइए मैं आपको कंप्यूटर में करके दिखाता हूँ, ऑन करके भी और ऑफ करके भी दिखाऊंगा। इससे मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी जो बटन ऑन का होता है उसे दबा करके ऑफ नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, चाहे कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो। मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप में आपको दिखाऊंगा कि कैसे लैपटॉप को शट डाउन किया जाता है। कंप्यूटर और लैपटॉप में अंतर नहीं होता है, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे शट डाउन कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले लैपटॉप को ऑन करते हैं। ये इसमें प्रेस बटन है जिसे मैंने प्रेस किया। अब देख रहे हैं लैपटॉप ऑन होना शुरू हो चुका है। अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग जगह ये बटन हो सकता है। हमें देख रहे हैं एक नाम लिखा हुआ आ रहा है नीचे, वेलकम। आपको मैं जूम करके भी इसे दिखा देता हूँ। ये आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में खुद से आप सेट कर सकते हैं। आप जो भी नाम उसमें लिखेंगे वो नाम आपको शो करेगा। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है मुकुल कुमार, वेलकम। ये देख सकते हैं मेरा लैपटॉप ऑन हो चुका है। लैपटॉप ऑन होने के बाद ये जो आपको स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप में नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये स्टार्ट बटन है। इसे विंडोज बार भी आप कह सकते हैं। इसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका प्रोग्राम फाइल खुलता है और प्रोग्राम फाइल ओपन होते के साथ ये आप लोगो देख रहे हैं, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं तीन ऑप्शन है, रीस्टार्ट, उसके बाद शट डाउन, उसके बाद स्लीप। इसमें आज आपको कब बंद होने का मैं सिखा रहा हूँ कि शट डाउन कैसे करते हैं। शट डाउन में क्लिक करते के साथ आप देख रहे हैं यहाँ शट डाउन होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपने जो दो और वहां पर लिखा हुआ देखा था रीस्टार्ट और रीस्टार्ट के अलावा आपका जो स्लीप था, ठीक है, ये दोनों का फंक्शन जो है मैं एक साथ अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा कि रीस्टार्ट का क्या फंक्शन। ऐसे नाम से ही है रीस्टार्ट, कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद होगा और अपने आप वो ऑन हो जाएगा। और स्लीप मोड का क्या फंक्शन है अगले वीडियो में फुल डिस्क्राइब के साथ आप लोग के सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। पसंद ना भी आया हो तो भी कमेंट्स करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि क्या इसमें कमी रह चुका है, ताकि अगले वीडियो में मैं उसे फिर से पूरा करने का कोशिश करूं। और फिर से मैं सभी से कहना चाहूंगा, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स जो ग्रुप है, ये फेसबुक ग्रुप है और यूट्यूब ग्रुप भी है। यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो वहां तो मैंने फिर से कहा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और फेसबुक में हमारे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी प्रचारित करें। ये आपके फायदे के लिए और इसका